हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आई एम कमलवीर एंड यू आर वॉचिंग लेट्स गेमिंग ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। सो आज की ये जो वीडियो है स्टीव स्मिथ के जितने भी फैंस हैं उनके लिए है, क्योंकि आज हम खेलने जा रहे हैं एक एशेज का एक टेस्ट मैच। और एशेज का ये टेस्ट मैच है, इसमें हम ऑस्ट्रेलिया टीम की तरफ से नहीं प्ले करेंगे, हम प्ले करेंगे स्टीव स्मिथ की तरफ से। ओके सो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो पूरी तरीके से फैंस हैं स्टीव स्मिथ के, उन्हीं को ये वीडियो अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसा नहीं है कि हम बहुत सारे सिक्सर्स, बहुत सारे फोर्स जैसे बहुत सारी चीजें होंगी, नहीं, ये टेस्ट मैच है, इसे टेस्ट मैच की तरह ही हम खेलेंगे। ओके सो अगर आप टेस्ट मैच के फैन हैं और टेस्ट मैच में बैटिंग होती है उसके फैन है, तो आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। सो टॉस हो रहा है, हेड कॉल किया है ऑस्ट्रेलिया ने और यहाँ पे कॉइन टॉस किया गया है। ठीक है, टेल्स है जी, इंग्लैंड जीत चुकी है टॉस को और इंग्लैंड ने क्या डिसीजन लिया है। सो डिसीजन है जी चूज टू बैट। सो इंग्लैंड पहले बैट करेगी, यहाँ पे हम फील्ड कर सकते हैं लेकिन हम फील्ड नहीं करेंगे। ओके, हम बैटिंग भी करेंगे क्योंकि मेनली स्टीव स्मिथ की बैटिंग के सभी लोग फैन हैं। ओके सो स्टार्ट हो रहा है मैच, सेम उसी तरीके से स्टार्ट होता है यहाँ भी मैच, जिस तरीके से हम जो रियल मैच होता है क्रिकेट का स्टार्ट होता है उसी तरीके से सब कुछ है। आप देख रहे होंगे प्लेयर्स के जो फेस हैं, बॉडी लैंग्वेज है, काफ़ी हद तक उसी तरीके के जैसे रियलिटी में होता है। तो मैच स्टार्ट हो रहा है, इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं ओपनिंग के लिए आ रहे हैं ग्राउंड में। ओके, ट्रॉफी भी है हम यहाँ हैं, हम बस एक दो बॉल देखेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम बैटिंग की तरफ बढ़ेंगे। सो ये मैच है, अभी हम आपको पता है कि स्टीव स्मिथ प्ले कर रहे हैं तो हम फील्डिंग भी कर सकते हैं थ्रू आउट द मैच, लेकिन हम फील्डिंग नहीं करेंगे, हम इसे करेंगे स्किप। और बल्कि हम पूरी इंग्लैंड की जो बैटिंग है उसी को स्किप कर देंगे, क्योंकि स्टीव स्मिथ बॉलिंग तो नहीं करते, आपको पता है बैटिंग ही करते हैं ज़्यादातर। और हमारी टीम में भी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ प्लेयर्स आउट हो चुके हैं और उसके बाद अभी हमारी टाइम है, हमारा हमें अपना रोल प्ले करने का बैटिंग का। तो स्टीव स्मिथ है, फर्स्ट इनिंग में आए हैं, 2300 239 हाईएस्ट स्कोर। एक बार हम चेक कर लेते हैं स्कोर। सो स्कोर कार्ड आप देख सकते हो, सो यहाँ पे 272 रन किए हैं इंग्लैंड ने फर्स्ट इनिंग में और ऑस्ट्रेलिया अभी तक 72 पे दो विकेट्स गिर चुके हैं। ओके, मार्कस हैरिस और ख्वाजा, अभी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ खेल रहे हैं, तो हमें यहाँ से खेलना है। और मैं आपको बता दूँ कि इस गेम के लिए जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। ओके, मीडियम है क्योंकि आपको पता है अभी मैंने थोड़े दिन से ही खेलना स्टार्ट किया है, तो मीडियम ही यहाँ पर बेस्ट है। ओके सो लेट्स गो, चलो स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट बॉल ये पूरे टेस्ट मैच की तरह ही हम खेलेंगे। 16.2 ओवर्स के बाद 72 रन है, 94 फोर एंड हाफ रन रेट। ब्रॉड कर रहे हैं बॉलिंग, सुपर शॉट दैट, ऑफ साइड पे, यहाँ पे थोड़ा गैप था इस वजह से हमने खेला और बहुत अच्छा शॉट हुआ, टाइमिंग भी बहुत अच्छी थी। enjoyed that over, it was a beauty. तो अच्छा ही ओवर था, एक फोर आ गया। तो डेविड वार्नर खेल रहे हैं दूसरी तरफ,
सो वॉर्नर की बैटिंग में हमारा कोई रोल नहीं है, बस अभी वॉर्नर खुद से खेलेंगे, हमें सिर्फ जो रनिंग है उसे कंट्रोल करना है ना। दोनों बैट्समैन की रनिंग हम ही कंट्रोल करेंगे, तो यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे बैट्समैन के भी हमारे ऊपर है। तो उसकी बैटिंग में देखो, मुझे ना थोड़ा सा आगे होकर के खड़े होना ज़्यादा अच्छा लगता है, इससे थोड़ा इजी भी हो जाता है। वैसे ये ट्वाइस एंड बॉल मैंने मिस मिसेस। कर दी, आउट स्विंग हुई, तो इससे ये इजी होता है कि हम लेग साइड इजीली खेल सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये ज़्यादातर बॉल्स ऑफ साइड ही करेंगे, है ना। तो फिर हमें नहीं तो हर एक शॉट ऑफ साइड ही खेलना पड़ेगा। ऐसे में होता है कि जो पैर पे बॉल है या थोड़ा सा भी मतलब मिडिल पे है तो उसे लेग साइड खेला जा सकता है अगर आप थोड़ा आगे खड़े हो। ओके, सो वॉर्नर है स्ट्राइक पे और रन अच्छे से आ रहे हैं इजीली, कोई ज़्यादा हमें दौड़ भाग करने की या फिर अभी कोई रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। और देख रहे हो आप तो आवाज़ सुनाई दे रही होगी अगर अच्छे से, सो ऑडियंस भी है। बहुत अच्छा शॉट खेला है, डबल कर लेंगे। He has played that nicely. Gets देखो two. बड़ा मुश्किल था रन, चीयर कर रही है देखो ऑडियंस। क्या बात, बहुत अच्छे, Well, you couldn't do स्लोअर much बॉल against थी, that इसे रोकना bowling. चाहिए था। Very tough to face. चलो तो ये अभी, सो नेक्स्ट ओवर, तो अभी हम स्ट्राइक पे हैं, ब्रॉड कर रहे हैं बोलेंगे ना। नहीं, करना नहीं चाहिए। 192 अभी ट्रेल है, ट्रायल बाय। अभी यहाँ हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम 100-150 रन की लीड तो करें, है ना। Plays it nicely along the ground. क्योंकि टेस्ट मैच है, सौ 150 रन की लीड, यानी कि यहां से 350 रन हमें करने होंगे, मतलब टोटल 350 रन तक हमें करने होंगे। ठीक है, और अभी हम इजीली खेल पा रहे हैं, सभी अच्छे से सिंगल ले पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंगल आ गया है जी Warner हमारे हाथ now में, तो moves इसे into the स्ट्राइक। 40s. 40 रन हो चुके हैं वॉर्नर के, हमारे भी 6 रन हो चुके हैं 10 बॉल में। चलिए, इसको मैंने थोड़ा सा हवा में खेला क्योंकि इस तरफ बिल्कुल सेफ एरिया था, मैंने वैसे अटैकिंग खेला इसी वजह से, इसे Good precision क्योंकि with the इस throw रीजन back from में the deep. कोई भी फील्डर नहीं है पीछे, इस वजह से तो हम खेल सकते हैं इजीली। अभी देखो, अभी यहाँ फील्डर है ना, लेकिन यहाँ फील्डर नहीं है, लेकिन हम हवा में नहीं खेलेंगे, वो पहले बिल्कुल लेग में कोई फील्डर नहीं था, इस वजह से हमने हवा में खेल दिया। और ये End of बॉल the बाहर की over. तरफ जा रही है, तो इसे ज़्यादा इसके साथ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। चलो डिफेंस, चलो सो वॉर्नर आए हैं फिर से बैटिंग पे, बहुत अच्छा ड्राइव किया, लेकिन 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 Chance. लेकिन लेकिन चांस बन सकता था सच में, ये मेरे ख्याल से मुझे नहीं भागना चाहिए था रन। कोई बात, Perfection. बहुत अच्छा, What a brilliant परफेक्शन, सच shot. में परफेक्ट लगा ये, टाइमिंग भी बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फ्लिक लगा। इसे मेरे ख्याल से देखना चाहिए हमें एक बार रिप्ले करके। और एंडरसन है यार, ये तो सही, देखिए कितने अच्छे से क्लिक किया, बहुत अच्छा। सो भी रन आ रहे हैं इजीली, ज्यादा स्विंग भी नहीं हो रही बॉल। Miss ये times मिस that कर one. दिया मैंने, गलत
मुझे लगा ये इन स्विंग होगा, आउट स्विंग होगा। Safely place that along the ground. बिल्कुल सेफ है ये, यहाँ हम इजीली खेल सकते हैं ऑफसाइड। Two runs added. मैंने ट्राई किया था कि सामने खेलो स्ट्रेट, लेकिन नहीं गया। बॉल थोड़ी ऑफ साइड थी, तो इस वजह से परफेक्टली नहीं कनेक्ट हुआ। बिट एक्सपेंसिव दैट ओवर। चलिए, वो उन्होंने लीव किया इसे, अच्छा लीव किया, क्योंकि ऑफ साइड काफ़ी फील्डर्स भी हैं और सारे स्लिप पे भी हैं, फील्डर गली पे भी है। अच्छा ठीक था, लीव करना चाहिए था। तो फिर से लीव, वॉर्नर पूरा टाइम लेके खेल रहे हैं। 41 हो चुके हैं वॉर्नर के। ये क्या, मेरे ख्याल से 4 रन मिल गए, वाइड हो गया ये, बाय के 4 रन मिले हैं, वाइड नहीं हुआ मेरे ख्याल से, वन बाउंस ही है। पैर में खेला और बहुत पैर में डाला और बहुत अच्छे से ड्राइव किया कवर में, लेकिन फील्डिंग भी सही किया। 3 रन तो हम ले ही लेंगे। Good running. That's 3. चलो, तो इस ओवर में अभी तक 7 रन आ चुके हैं, तो रन आए हैं तो हमें कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, बॉल के अकॉर्डिंग खेलेंगे बस। मैं डाइव इस वजह से कर देता हूँ ताकि कोई रिस्क ना हो विकेट का। 15 बॉल्स 15 रन हमारे हो चुके हैं, 2-4। वॉर्नर बैटिंग पे फिर से, चलिए तो वॉर्नर को बॉल दिख जाती है कि ये वो लाउड स्विंग होगी तो पहले ही वो लीव कर देता है, सही है, क्योंकि ना हमें जो स्विंग वाला है वो हमें नहीं दिखाई देता, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता कि ये जो बॉल है ये किस तरफ स्विंग होगी। नो, ओए ये बहुत क्लोज था यार। हाँ, जो स्विंग वाला है वो हमें नहीं दिखाई देता यहाँ पे, क्योंकि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे वो कहीं नहीं दिखाई देता। बॉल का वो मार्क तो दिखाई देता है कि कहाँ पिच होगी, लेकिन स्विंग का नहीं कि वो आउट स्विंग होगी इन स्विंग होगी। क्या बात है, क्या एंडरसन क्या फील्डिंग कर रहा है यार। सो हमें पेशेंस रहना है, पेशेंस बनाए रखना है, कोई गलत शॉट नहीं खेलना है। ये अच्छा शॉट, गैप में था, 1 रन मिल गया। चलिए एंडरसन टू वॉर्नर, बहुत पहले आ गए बॉल के ऊपर, लेकिन सही किया, अच्छा किया, अच्छा रोका बॉल को। बहुत अच्छा खेला, played that along ये the ground. गैप नहीं गया, यही शॉट में ट्राई कर रहा था। Very nice throw back there. Good fielding. End of a good over. I now 2 for 103. The right arm pace bowler Ben Stokes, is coming I into the bowling attack from the south end. 4 बार 5 विकेट भी लिए हैं इन्होंने।
5 विकेट होल 4 बल। ओके सो ये क्लोज रन्स हैं, कई बार मैं सोचता हूँ कि ना लूँ लेकिन स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी है तो इस वजह से मैं सिंगल करता रहता हूँ। इस तरफ गैप है, हम खेल सकते हैं अगर पैर पे बॉल आए, लेकिन नहीं। नो ओह फील्डिंग मिस हो गया क्या? रन्स कमिंग अलोंग नाइसली हियर, अनदर गुड शॉट। ये मैं नहीं कह सकता, शॉट बहुत अच्छा लगा था, मुझे लगा हाथ में चला गया। हाँ मिस फील्डिंग होगी यहाँ पे, देखें एक बार चेक करें, क्योंकि मुझे लगा कि शॉट तो सही लगा लेकिन फील्डर के हाथ में चली गई बॉल। किस तरफ हुई? इस तरफ। हाँ फील्डर ने मिस फील्डिंग किया तो इसी वजह से फोर मिला, अच्छा फोर मिला। लेकिन ये शॉट नहीं खेलना चाहिए था मुझे। सो 22 हो चुके हैं, हमें बस आराम से खेलना है। और ये भी गैप में गया, चार होना चाहिए। आउटफील्ड बड़ी स्लो है, हो गया चार। बहुत अच्छा कनेक्ट हुआ था ये। यहाँ खेल सकते हैं हम, यहाँ खेल सकते हैं। नो इसे यार, हम कहीं भी वैसे खेल सकते थे, हाथ में खेल दिया गलती से। गुड बैटिंग इन दैट, ट्राई कर लेना चेक मेरे पास। ओके सो दिस बॉलर नोज हाउ टू गिव द बॉल। स्पिनर आ चुके हैं, एक बार स्कोर बोर्ड देख लेते हैं। सो 26 स्मिथ और 46 वार्नर, ठीक है 23 ओवर्स। तो मोइन अली आ चुके हैं जी बॉलिंग पे, स्पिनर आ चुके हैं, तो वार्नर देखते हैं कैसे खेलते हैं स्पिनर को। और हमारे पास रिव्यूज़ रिमेनिंग, दो रिव्यू हैं अभी हमारे पास, तो इसे लीव किया, सही किया। राउंड द विकेट आगे हैं मोइन अली। yes. okay, तो इजी सिंगल। सो अभी हम सिंगल सिंगल खेल सकते हैं इजीली। सो इस तरफ खेल सकते हैं सिंगल, यहाँ खेल सकते हैं, आप वहां देख रहे होंगे जो सर्कल बना हुआ है कॉर्नर में, राइट साइड ऊपर स्क्रीन में, तो वहाँ आप देख सकते हो कि किस तरफ जब मैं खेलता हूँ तो पॉइंट जिस तरफ होता है तो उस तरफ मैं खेलता हूँ। तो वहाँ मैं फील्डिंग में आपको दिखा रहा होता हूँ कई बार कि किस तरफ हम खेल सकते हैं इजीली या कहाँ पे हमारे पास गैप है। और वार्नर अच्छा खेल रहा है बॉल स्पिनर को, राइट साइड आप देख सकते हो कॉर्नर में। ये देखिए कि यहाँ पे हम खेल सकते हैं, यहाँ पे गैप है बहुत बड़ा और यहाँ पे। जो स्पिनर है ना बड़ा ललचाता है इस गेम में, बहुत आपको ललचाता है कि आप थोड़ा ऊपर खेलो, लेकिन स्पिनर को यहाँ पे खेलना बड़ा मुश्किल है, बहुत जल्दी विकेट गिर जाती है अगर आप थोड़ा भी हवा में ट्राई करते हो तो। End of the over. चलो तो अच्छा ओवर है, चार सिंगल आए, सही है। यहाँ तो बहुत बड़ा गैप है लेकिन बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई। नो ओके सही किया, सिंगल लिया, अच्छे से कनेक्ट नहीं हुई, टाइमिंग अच्छी नहीं थी, यहाँ फोर आ सकता था।
No. बॉल स्मिथ की लगा दी और स्मिथ देख भी रहे हाथ को। दो रन दूर हैं वॉर्नर अपनी 50 से। बेन स्टोक्स का ये सेकंड ओवर है, पहले ओवर में उन्हें अच्छे रन पड़े। चलो इसे छोड़ दिया। मेरे ख्याल से इसे थर्ड मैन की तरफ खेला जा सकता है, लेकिन टेस्ट में वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता शॉट ज़्यादा देर तक, और वैसे है भी थर्ड मैन। चलिए सिंगल तो हो सकता है। ओके सो 49, एक बॉल बची ओवर की वॉर्नर के 49, तो 118 हो चुके हैं हमारे रन। And that's the end of the over. Connect me, we will. Now on 2 for 100. So 119, 25 overs ke baad. Wait. इस तरफ गैप है, अगर खेलना चाहे तो यहाँ खेल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा अगर टाइमिंग और अच्छी होती तो हो सकता था 4 आई गेस। सो हमारे रन भी 31 हो चुके हैं 33 बॉल्स में। नो अच्छा शॉट खेला लेकिन हाथ में। ये भी हाथ में है, नहीं लेंगे रन यहाँ से। वॉर्नर दूसरी तरफ खेलो थोड़ा गैप में, तो उसके बाद फिर लेकिन मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कैच ड्रॉप हो गया ये। सही में एक बार चेक करते हैं, इस तरफ से देखते हैं। हाँ नहीं, यहाँ पे सही में कैच ड्रॉप हो गया ये। चलो चलो सही हो गया, सामने की तरफ खेलना चाहिए अभी। सो मोइन अली जब से आए हैं वॉर्नर का बैट रुक गया है ना, सारी बॉल हाथ में खेल रहे हैं, मतलब अच्छी बॉल कर रहे हैं मोइन अली। बड़ा शॉट ना ट्राई करें शायद बाहर निकल के, नहीं किया। चलो 50 हो गई, वेरी गुड। सो 50 71 बॉल्स, वेल डन हाफ टन। 4 6 4 और 1 6 70.4 के स्ट्राइक रेट के साथ। वैगन व्हील भी है जी, सारे शॉट सामने की तरफ खेले हैं, सही है। चलिए सो सो नेक्स्ट ओवर आ चुका है, स्टोक्स कर रहे हैं बॉलिंग। दो ओवर 12 रन पड़ चुके हैं अभी तक स्टोक्स को। हवा में खेल दिया है लेकिन सिंगल ही होगा। अभी 50 होगी है तो थोड़ा मेरे ख्याल से हाथ दिखाने की कोशिश करेंगे वो। पार्टनरशिप भी 50 की होगी, चलो बहुत अच्छा, सही है। इस तरफ हम भी ट्राई कर सकते हैं अगर बड़ा शॉट हो तो, देखते हैं अगर पैर में आते तो करते हैं। नहीं नो यार, ये बड़ा क्लोज था। तो ये 4 रन, गुड एफर्ट, 4 रन्स।
थोड़ा सा ये वैसे बॉल है नहीं थी ये शॉट खेलने वाली, लेकिन मैंने जानबूझ के खेला कि थोड़ा रन हम थोड़े से पेस बढ़ा दे रन की, थोड़ा एक दो फोर आ जाएंगे, यहाँ खेल सकते हैं इस तरफ अगर पैर में आती है तो। नहीं, सिंगल 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 भागो। ओके, सो सिंगल हो गया, सही है। सो इस ओवर में 6-7 रन आ चुके हैं मेरे ख्याल से। नो, हाथ में आई, ये थोड़ा महंगा पड़ सकता है हमें। इस गेम की मैं आपको बात बताऊं, इस गेम में मैंने जितनी भी बार खेला है मैं हर एक बार लगभग लगभग रन आउट ही हुआ हूं। ओए, यॉर्कर बॉल थी और स्लोअर थी मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी बॉल थी लेकिन अच्छे से रोका भी बोलना नहीं, सही किया। चलिए तो मोइन अली, तो हम थोड़ा आगे हो जाएंगे पहले। ओए, मुझे नहीं लगा था गैप मिल जाएगा। तो दो रन, तीसरा ट्राई कर सकते हैं बिल्कुल, ये क्या कर रहे हैं फील्डर। गुड वर्क इन द फील्ड, रन मिल गए हमें, ये फील्डर की गलती है, क्या कर रहे थे। सो 39 रन हो चुके हैं हमारे भी, अभी हम 50 या 100 की तरफ नहीं देखेंगे, बस हमें राम राम से वॉर्नर का साथ देते हुए इजीली खेलना है, बस कोई बड़े शॉट नहीं, कोई रिस्क नहीं, बस रन करने हैं। सो मोइन अली तीसरी बॉल लेके, अभी तक 9 रन हो चुके हैं इनके, इन्हें 9 रन हो पड़ चुके। अच्छा शॉट खेला कवर में, लेकिन फील्डर है वहां पर। बॉल हो गई मेरे ख्याल से। क्या बॉल है यार, बॉल को पढ़ नहीं पाए, टर्न किया बॉल अच्छा और विकेट आउट। चलिए जी, वॉर्नर को जाना पड़ेगा, अच्छा खेल रहे थे, ये थोड़ा सा मिसजज कर गया ना, देखेंगे इसका अच्छे से इनका रिप्ले। ट्रेविस हेड आए हैं, 161 हाई स्कोर। सो द न्यू बैट्समैन इज, चलिए पहले रिप्ले देखते हैं। ये मेरे ख्याल से वैसे ना इन्होंने गलत विकेट दे दी यहाँ पे, वॉर्नर खेल तो सही रहे थे। बैट गलत डायरेक्शन में और थोड़ा टर्न भी कर गया बॉल। ठीक है जी, तो ट्रेविस हेड आए हैं, सो फील्डिंग सारी ऊपर। चलिए, नो, तो अभी हमें विकेट नहीं देना है, अभी कौन सा दिन, अभी स्कोर कर देखते हैं। सो अभी 27.5 ओवर्स ही हुए हैं और दूसरा दिन है ये टेस्ट का, तो अभी हमें ये दिन अभी रोकना है और अच्छे रन भी बनाने हैं। चलिए चलिए, a wicket falling in that over and not many runs from it. चलो विकेट भी गिर गया, रन भी नहीं आया कोई, चलिए कोई बात नहीं। ओके, सो हमें अभी विकेट बचा के ही खेलना है। नहीं हो पाएगा सिंगल, क्योंकि विकेट अभी एक जा चुकी है, अगर अभी एक और विकेट जाती है तो उसके बाद मुझे नहीं लगता टीम में कोई और, मतलब इसके बाद पैट कमिंस हैं और फिर स्टार्क आ जाएंगे बॉलर, है ना, और सॉरी टिम पेन भी है पहले कीपर और फिर पैट कमिंस हैं, तो इसके बाद दो ही बैट्समैन बचे हैं और टिम पेन तो मेरे ख्याल से कीपर हैं और कमिंस तो ऑलराउंडर है जितना मुझे पता है, तो यानी कि ये लास्ट हमारे पास प्लेयर है जो दोनों बैट्समैन का है, तो इसीलिए हमें अभी बहुत संभल के खेलना होगा।
हम खेलेंगे, क्रिस भी संभल के खेले, ये हमारे बहुत जरूरी है। चलिए doesn't play that one well. ऐसे शॉट की अभी जरूरत नहीं है यार, लेग बाय क्या चलो अच्छा खेला पुल, चार रन नहीं मिले, अच्छा खेला ये शॉट, ये शॉट इस गेम में हमेशा अच्छा ही लगता है। सिक्स भी मिल सकता है इसके ऊपर अगर टाइमिंग अच्छी हो, मतलब सेव शॉट्स में इसे हम काउंट कर सकते हैं कि जिन्हें अगर हम खेलेंगे तो मतलब सिक्स हमें मिल सकता है, उनमें से एक शॉट ये है। सो बॉल पड़ ली थी, आउट स्विंग हो रही है, क्या बात है, क्या क्या फील्डिंग है। इस तरफ कोई नहीं है, अगर हमें मिलता है मौका तो खेलेंगे। इस तरफ भी हमें देखो लालच देके रखा है कि हवा में हम खेले, लेकिन खेलेंगे नहीं हवा में हम। Safely plays that along the ground. तो बॉलर्स इसी तरीके से, कैप्टन इसी तरीके से फील्डिंग हमेशा बनाता है कि कुछ मतलब ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे आपके लिए रूम रखा जाता है कि आप इजीली इस रीजन में खेल सकते हो, फील्डर नहीं है पीछे, लेकिन आप आउट भी उसी जगह होते हो ना। तो वैसे तो देखो ये चीज़ है कि हम खेल लें तो रन ले लें, लेकिन हम कब तक रन ले पाएंगे ना, क्योंकि हमें यहाँ पर टेस्ट मैच की सबसे बड़ी चीज़ होती है टाइम, तो टाइम भी निकालना होगा, साथ साथ में टाइम भी बचाना होगा और रन भी करने होंगे, तो दोनों चीज़ों को हमें साथ में लेके चलना है, दिमाग में रखते हुए चलना है। सो अभी तक हेड की 7 बॉल हो चुकी है, अभी तक नहीं इन्होंने कोई भी रन किया है। चलो ये किया, अच्छा खेला है। सो फर्स्ट रन हेड की तरफ से। कोई नहीं, हम दो ट्राई कर सकते हैं रन, बहुत ज़्यादा स्लो भागते हैं गेम में स्लो भागते हैं। पहुंच जा। एंड ऑफ अ गुड ओवर। ऑस्ट्रेलिया आर नाउ ऑन 3 for 137। सो 137 हो चुके हैं, 135 की ट्रायल रह चुकी है, सो आधे रन हम कर चुके हैं। बेन स्टोक्स हैं, 4.1 ओवर्स में अभी तक 20 रन दे चुके, बहुत पहले खेल दिया ये। नो वैसे ना, जब से हेड खेलने आए हैं तो सिंगल नहीं हो रहे, तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा है मेरे ख्याल से, जो ये प्लेयर हेड के ऊपर भी और मेरे ऊपर भी, क्योंकि वो अभी रोटेट नहीं कर पा रहे स्ट्राइक को इस वजह से। चलिए हमें हर एक ओवर में एक या दो बॉल ही मिल रही है। नो हवा में चला गया था यार ये, जल्दी खेल लिया थोड़ा सा हमें, लेकिन पेशेंस बनाए रखना है और विकेट हमें रोक के रखनी है, यही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल है इस मैच में। Yes. ओ, बहुत अच्छा शॉट खेला, This could be out.
We've got a change in the commentary box. Joining me now is James last Taylor. Last season the Lord, non-striking. सारे फील्डर ऊपर है, मुझे नहीं लग रहा सिंगल इस ओवर में हमें मिलेगा. इस ओवर मुझे नहीं लग रहा कि स्ट्राइक मिलेगा हमें अभी. चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़े पैर जमाने के लिए टाइम भी चाहिए हेड को, तो धीरे धीरे खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. नो ऐसे सही बात है, जब से मोइन अली आए हैं सब कुछ मैच चेंज कर दिया मोइन अली ने. और फील्डिंग भी ऐसे बना के रखी है कि यहाँ पे सिंगल लेना बड़ा मुश्किल है, सिर के ऊपर से ही मारना पड़ेगा. लेग साइड है लेकिन, चलिए यही मैं बात कर रहा था. चलो हमारे पास फिर से हमें दो बॉल मिली है जी ओवर की, बॉल के अकॉर्डिंग ही खेलेंगे हम. टाइमिंग ज़्यादा अच्छी नहीं हुई, थोड़ा सा लेट खेला मेरे ख्याल से. Yes. ये मेरे ख्याल से आज लगा फ्रस्ट्रेशन में खेला ऐसा शॉट खेलता है बंदा, क्योंकि 16-17 बॉल्स हो चुकी हैं अभी, हेड के भी चार ही रन बने हैं. ओके सो अभी हम यहाँ ट्राई करने की कोशिश करेंगे, अगर पैर में आती है. And this is so high, it'll bring rain. लेकिन मेरे ख्याल से हमारी गलती थी. चलो दो रन तो आई गए क्योंकि ज़्यादा हवा में चला गया था ये बॉल. मुझे लगा कि इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, फोर निकल जाएगा अगर हुआ तो काफ़ी वहाँ पे. चलो बहुत क्लोज था लेकिन सिंगल हो गया. चलो नो क्या फील्डिंग हो गया, पता नहीं मैंने फील्डिंग को हार्ड करके रखा है ये क्या है, लेकिन फील्डिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं. तो भी सब कुछ फील्डिंग में बहुत अच्छा है. No. इसको यहीं भी खेल सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ बीच में कि यहाँ पे ट्राई करूँ ऑफसाइड कट इसे, लेकिन होगा नहीं इस बॉल पे या फिर इस तरफ. ओके सो फोर, यही मैं तब से वेट कर रहा था कि पैर पे बॉल आए, लेग साइड बिल्कुल फील्डिंग है ही नहीं, तो हम खेल सकते हैं. चलो फाइनली हमारी 50 भी होगी, 6 fours 49 बॉल्स में 52, बहुत अच्छा. चलिए तो हमें अभी नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ना है, 100 ऐसे ही खेलना है. ओके सो इसे लीव किया मैंने, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे खेलने की. चलो तो 50 तो होगी, अभी 100 की तरफ बढ़ना है ऐसे ही इजीली. यार लेकिन मैंने ये गलती की, मुझे शॉट नहीं खेलना चाहिए था अभी फ्लिक हवा में. ओके सो पहली इनिंग में तो हम कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए हैं टीम के लिए, 52 कर पाए हैं लेकिन कुछ खास नहीं है कंट्रीब्यूशन. तो अभी हम सेकेंड इनिंग खेलेंगे ठीक है, और सेकेंड इनिंग नेक्स्ट वीडियो में होगा, आप लोग देख सकते हो सेकेंड इनिंग में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे. सो थर्ड डे है तो हमारे पास अभी काफ़ी टाइम है. या ये आउट तो नहीं हो गया ना, आउट नहीं होना चाहिए, नॉट आउट, ठीक है थैंक गॉड. स्मिथ ready to face their first ball. First ball है अभी, leave करेंगे हम.
अभी पहले हमें थोड़ा सा देखना होगा बॉलिंग किस तरीके की हो रही, किस तरीके से पिच कर रहे हैं बॉल, फिर उसके अकॉर्डिंग खेलेंगे। नौ टाइमिंग बहुत अच्छी हुई लेकिन सीधा बॉल हाथ में चलेगा। लास्ट मैच में, लास्ट इनिंग में हमने फ्लिक किया और आउट हो गए, तो इस बारी इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हवा में जब भी खेलना है तो पूरे ध्यान के साथ बैटिंग साइड के लिए अच्छा ओवर है, तो 6-7 रन आगे की वजह से। टाइमिंग कोई खास नहीं हुई इस बॉल का, सारे शॉट हाथ में जा रहे हैं, टाइमिंग ठीक हो इस बॉल पे ठीक है लेकिन हाथ नहीं गया। Could be close. Okay. तो सिंगल आ गया। चलो स्ट्राइक रोटेट होते ही रहना चाहिए जो ज्यादा जरूरी है। ब्रॉड बॉलिंग कर रहे हैं, फील्डिंग बहुत अच्छी है। चीयर कर रहे हैं ऑडियंस भी, लेकिन किसके लिए? ओह नाइस शॉट। लास्ट इनिंग में जब हम बैट कर रहे थे तो हम पहले वॉर्नर के साथ खेल रहे थे, बाद में हेड के साथ, है ना। ख्वाजा पहले ही आउट हो चुके थे लेकिन इस बार ख्वाजा के साथ हम खेल रहे हैं। फोर लाइन फ्रॉम द बॉलर एंड पनिश फॉर फोर लाइन, अच्छा खेल गया। चार द राइट आर्म मीडियम बॉलर इज कमिंग ऑन टू बॉल फ्रॉम द साउथ एंड। दो ओवर कर चुके हैं अभी तक, 8 रन हो चुके हैं एंडरसन को आ चुके हैं। नो अभी ट्राई करें, नहीं नहीं दूसरी इनिंग में ना बॉलिंग और फील्डिंग और ज़्यादा मेरे ख्याल से टाइट हो गई है और ज़्यादा इम्प्रेसिव है, क्योंकि सिंगल भी नहीं हो पा रहा। यही तो वो चाहते हैं ना कि सिंगल भी ना हो और हम कोई शॉट खेले और आउट हो जाए, यही मतलब रियल टेस्ट होता है, इसी चीज़ का टेस्ट होता है टेस्ट में कि आप पेशेंस बनाए रखो। स्विंग एंड अ मिस, द बैट्समैन मिसजजिंग दैट वन। मुझे लगा कि इन स्विंग होगी, आउट स्विंग थी। ये सबसे सेफ एरिया है, यहाँ पे हम खेल सकते हैं क्योंकि यहाँ कभी कोई फील्डर नहीं होगा। अगर इसके ऊपर अगर टाइमिंग थोड़ी और अच्छी होती तो 4 भी मिल सकता था हमें। अच्छा किसी लीव किया। अच्छा फ्लिक खेला है, 2 रन आ सकते हैं मेरे ख्याल से अगर जल्दी भागेंगे। आओ यार डायरेक्ट होगा। सो ग्रेट फील्डिंग इज क्रिएटेड चांस आउट नोवेयर। सिंगल ही करना चाहिए, बहुत स्लो रनिंग करते हैं ये। 469 हमें करने हैं रन। राजा अच्छे खेल रहे हैं यार। Head is the new man at the non-striker's end. Stokes, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. Yeah, yeah, yeah. Yep.
ऐसे तो कभी नहीं जीत पाएंगे हम। रियल टेस्ट है, यहाँ भी आपकी पेशेंस का हर एक चीज का टेस्ट होता है। ओह, कॉन्फिडेंट अपील। The captain making the change of the bowlers तो pays dividends immediately. Great move, great bowling. चैलेंज इसे कर लेते हैं। The batsman doesn't think he's out, sending this for review. लेकिन मुझे लगता नहीं कोई फायदा होगा इसका। नो बॉल तो है नहीं, लेजिट बॉल है। और देखते हैं अभी। ओके, एज हो गया 2 मीटर पे मेरे ख्याल से, वहाँ कोई सरकट हुई है। चलिए इनर एज लगा। ओके, सो वेरी क्लोज कॉल देयर, 3 रन बना पाए हम दूसरी इनिंग में। But it goes unrewarded, and now they've got no reviews left. So let's see if they have reviews left. So finally, our match has been 181. So our team is out. That's all the cricket for now. 287 runs with South England team match wins. From Mel James and myself. Okay, so this is the first match. We have lost this match. And our performance is poor in a way. अच्छी नहीं रही है ना। सो अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कोई और मैच खेलेंगे। आप बताना कौन सा प्लेयर है आप चाहते हो कि हम खेलें। ये थी आज की वीडियो, अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।